नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टैक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने OBS स्टूडियो का बैकअप लेके रख सकते हो। जैसे कि आप जानते हो, OBS स्टूडियो के अंदर हमें बहुत सारी सेटिंग्स करनी होती हैं। हमें रेजोल्यूशन क्या रखना है, क्वालिटी क्या रखनी है, बिटरेट क्या रखना है, इसके अलावा हमें सीन क्रिएट करने होते हैं, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, ये वो बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं। अब मान लो आपने अपने OBS स्टूडियो के अंदर सेटिंग्स सारी कर रखी हैं, लेकिन गलती से किसी भी कारणवश आपका OBS स्टूडियो क्रैश हो जाता है, या फिर मान लो आपको अपना PC अपग्रेड करना है, तो ऐसे में आपका OBS स्टूडियो भी डिलीट हो जाता है और आपकी सेटिंग्स भी डिलीट हो जाती हैं। और जब भी आपको दोबारा से OBS स्टूडियो को यूज़ करना होगा तो फिर से वही सारी सेटिंग करनी होगी। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप अपने OBS स्टूडियो का बैकअप लेके रखो और जब भी आपको दोबारा से अपना OBS स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा, बस आप OBS स्टूडियो इंस्टॉल करो और उसी बैकअप से आपकी वो सारी सेटिंग्स आपको वापस से मिल जाएंगी। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका जिससे आप अपने OBS स्टूडियो का बैकअप लेके रख सकते हो। तो आइए फटाफट चलते हैं अपने PC पर। मैंने यहाँ पर अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब मान लो OBS के अंदर आपने अपना कोई भी सीन बना रखा है, कोई भी आपने अपने टेक्स्ट लगा रखे हैं, आपने माइक ऐड कर रखा है, आपने अपना कैमरा ऐड कर रखा है, जो भी सेटिंग्स आपने कर रखी हैं, स्ट्रीम की क्या सेटिंग कर रखी है, ऑडियो की क्या सेटिंग कर रखी है, ये सब सेटिंग्स हमें करनी होती हैं। मान लो ये सारी सेटिंग्स आपने कर रखी हैं, अब ऐसे में आपका OBS स्टूडियो अगर किसी वजह से क्रैश हो जाए तो आपको ये सारी सेटिंग्स दोबारा से करनी होती हैं। इसका सबसे आसान तरीका होता है OBS स्टूडियो का बैकअप लेके रखना। OBS का बैकअप लेना बहुत ही आसान है। OBS स्टूडियो में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन आता है, फाइल पर क्लिक करो। अब इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो सेटिंग फोल्डर, तो आपको शो सेटिंग्स फोल्डर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको ऊपर यहाँ दिखाई देगा, ऊपर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम दिखाई देगा, फिर ऐप डेटा दिखाई देगा, फिर रोमिंग, उसके बाद OBS स्टूडियो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रोमिंग पर क्लिक कर देना, ये रोमिंग का ऑप्शन दिख रहा है, रोमिंग पर क्लिक कर दो। अब आपको इसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो OBS स्टूडियो का ये जो फोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, OBS स्टूडियो, ठीक है। अब सिंपल आपको इसे यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी पर क्लिक करो, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँगा। और उसके बाद जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपका ये फाइल सुरक्षित रहेगा, आप अपनी पेन ड्राइव के अंदर रख लो या फिर किसी दूसरी ड्राइव के अंदर रख लो। मैं इसे पेन ड्राइव में सेव कर देता हूँ, यहाँ पर USB ड्राइव है मेरी ये पेन ड्राइव, इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। USB ड्राइव के अंदर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये हमारा OBS का जो बैकअप है, जो फोल्डर है, वो हमारी पेन ड्राइव के अंदर आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पर अब पेन ड्राइव के अंदर हमारा OBS स्टूडियो की सारी सेटिंग यहाँ पर सेव हो चुकी है, पूरा फोल्डर यहाँ पर सेव हो चुका है। उसके बाद इसे बैक कर देते हैं। अब मान लो मैं OBS स्टूडियो को डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से मैं अपने OBS स्टूडियो को इंस्टॉल करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, आपको बार बार सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी बैकअप को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हो अनइंस्टॉल वाज सक्सेसफुली, हमारा OBS स्टूडियो यहाँ से हो चुका है डिलीट। अब हमारे PC के अंदर हमारा OBS स्टूडियो कहीं भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर हम OBS स्टूडियो की वेबसाइट पर आ चुके हैं। दोबारा से OBS स्टूडियो को मैं डाउनलोड करने वाला हूँ, विंडोज पर क्लिक करेंगे तो ये OBS स्टूडियो का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिनिश पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो OBS स्टूडियो हमारा दोबारा से इंस्टॉल हो चुका है। इसके अंदर आपको कोई भी सेटिंग्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बैकअप लेके इसका रखा हुआ है। तो बैकअप को कैसे यूज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल पर क्लिक करो, उसके बाद शो सेटिंग फोल्डर पर क्लिक करो, अब फिर से वही वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रोमिंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, रोमिंग पर क्लिक करो। अब आपको यहाँ पर ये फोल्डर दिखाई देगा OBS स्टूडियो, इस पर आपको इस फोल्डर को डिलीट कर देना है और यहाँ पर आपको जो आपने बैकअप लिया था वो यहाँ पर पेस्ट करना है। कैसे करना है, राइट क्लिक करो और इसे डिलीट करो। अब यहाँ पर एक एरर मैसेज आ जाएगा कि इस फाइल को ये डिलीट नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि OBS हमने ओपन कर रखा है। तो पहले OBS स्टूडियो को क्लोज कर देंगे। तो ये वाली जो पेन ड्राइव थी, USB पेन ड्राइव, इसके अंदर हमने अपना फोल्डर का बैकअप ले रखा है, तो इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो OBS स्टूडियो का ये वाला जो बैकअप वाला फोल्डर था, ये हमने यहाँ पर बैकअप ले रखा था। अब इसको कॉपी करेंगे, देखते जाना, इसको हमने कॉपी किया और उसके बाद वापस उसी पर जाना है, रोमिंग वाले पर। यहाँ हम वापस आ गए, उसके बाद यहाँ पर इसे हमें पेस्ट कर देना। इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये कुछ ही सेकेंड में यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब हमारा जो बैकअप फोल्डर था यहाँ पर पेस्ट हो गया है।
और उसके बाद आपको इसे बंद कर देना है। दोबारा से OBS स्टूडियो को जब आप ओपन करोगे तो आपकी सेटिंग्स यहाँ पर वापस आ चुकी होंगी। अब आप देख सकते हो ये सेटिंग्स हमारी यहाँ पर वापस आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, जो सेटिंग्स आपकी पहले आपने कर रखी थी वो सारी की सारी सेटिंग हमारी वैसी की वैसी ही वापस आ चुकी है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप भी अपने OBS स्टूडियो का बैकअप लेके रख सकते हो और जब भी आपको जरूरत पड़े उस बैकअप का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बार बार OBS स्टूडियो की सेटिंग्स नहीं करनी होंगी। अगर आपको OBS स्टूडियो सीखना है, जानना है, तो उसकी बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। OBS स्टूडियो की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप OBS स्टूडियो को सीख सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।